हेलो, क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया। फटाफट से कॉपी पेन ओपन कर लीजिए, ठीक है? और अगले टॉपिक पे आ जाइए। आज मेरा स्टैटिस्टिक का टर्न है और स्टैटिस्टिक में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इस चैप्टर से बच्चा दमशो भागता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको प्रोबेबिलिटी की क्लास देखनी पड़ेगी, या अगर क्लास नहीं देख रहे हैं तो उसके कुछ बेसिक्स बेसिक चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। ठीक, अच्छा बेटा, और बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है? चलिए फिर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं बेटा। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स या डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और बेटा जी एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, ठीक। डिस्क्रीट में बेटा आपको दो पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है बाइनोमियल और एक पढ़ना है पोशन ना। हाँ शायद यही होता है, कुछ लोग पोशन भी बोल देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। पॉइजन नहीं होता, पॉइशन होता है। पॉइजन का मतलब हो गया जहर, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। सॉरी दिस इज द टू मच, सही है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में दो पढ़ने हैं आपको, एक बाइनोमियल पढ़ना है, एक पॉइशन पढ़ना है। कॉन्टिन्यूअस में आपको एक ही पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस में पढ़ना है? कॉन्टिन्यूअस में पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप होते हैं बेटा? दो टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा है? सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। दूसरा टाइप कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट में अपन को कितने टॉपिक कवर करने? सर दो टॉपिक कवर करने हैं, पहला बाइनोमियल, दूसरा पोएशन। और कॉन्टिन्यूअस में अपन को एक टॉपिक कवर करना है, किस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है? अच्छा सर, अब सुनो जरा ध्यान से। सर ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंसेस क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब बेटा जिसका एक सेट फ्रीक्वेंसी हो, या ऐसा वैल्यू, ऐसा ऑब्जर्व वैल्यू जिसका एक सेट क्राइटेरिया हो, ठीक है, जिसमें वेरिएशंस ना हो, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहलाता है। जहां पे सर्टेन हो कि इसका ये चीज होगा उसको कहते हैं डिस्क्रीट। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने स्टेटिस्टिक में 60 मार्क्स गेन किया, एक स्टूडेंट, तो 60 मार्क्स गेन करने वाले स्टेटिस्टिक में कितने स्टूडेंट हैं, ये आपका क्या होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक। अच्छा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में जहां पे फ्लक्चुएशन हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जहां पे चीजें लिमिट में आती हो, जैसे आप पेपर देने जाते हो तो आप पेपर का जो टाइम होता है वो कितने आवर्स का होता है? 3 आवर्स का। क्या सारे के सारे स्टूडेंट एग्जैक्टली 3 आवर्स के बाद ही जाते हैं? नहीं, बहुत से टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो पहले भी चले जाते हैं, यस या नो? तो आपका जो टाइम स्टार्ट होता है वो 0 मिनट से लेके 180 मिनट्स तक, इसके बीच में स्टूडेंट कभी भी जा सकता है।
तो ऐसे केस में कॉन्टिन्यूअस लगेगा जहां पे चीजें सर्टेन ना हो, जहां पे किसी लिमिट में हम वेरिएट होते हैं। जैसे आप वेट वाली मशीन पे गए, वेट किए सर बहुत किए हैं, हमने कहा क्या देखा आपने? सर जैसे ही वेट वाली मशीन पे जाते हैं वेट पता करते हैं, अगर सांस अंदर किया कम, सांस बाहर किया तो ज़्यादा। तो उसको आपको कॉन्टिन्यूस में लेके आना पड़ेगा। एग्जैक्टली है तो आप डिस्क्रिट में भी लेके आ सकते हो, लेकिन जहाँ पे सर्टेन ना हो, एक लिमिट में हमारा ऑब्जर्व वैल्यू वेरिएट होता हो, वहाँ पे हमको कॉन्टिन्यूस लेके आना होता है। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो डिस्क्रीट होता है, एक तो कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्क्रीट के कितने पार्ट होते हैं? दुई ठो, बाइनोमियल और पॉइसन, और कॉन्टिन्यूस का कौन सा होगा? नॉर्मल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? सर बाइनोमियल है। तो चलिए मेरे साथ साथ फटाफट से स्टार्ट करिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे साथ साथ लिखेंगे इंट्रोडक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहला पॉइंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखते चलिए मेरे साथ साथ, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रैंडम वेरिएबल्स, ये रैंडम वेरिएबल्स होता है, डिस्क्रीट टाइप का रैंडम वेरिएबल्स होता है। दूसरा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्ट स्टडी बाय जे बर्नौली सॉरी थोड़ा सा ओ यू होगा, बर्नौली ये नाम है इनका, जे बर्नौली, इन द ईयर 1700। तो बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? जे बर्नौली ने किया, और इन द ईयर 1700, ठीक है, 1700 में उन्होंने दिया। अब बेटा थर्ड पॉइंट, इसके कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, उसको पढ़े बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग चैप्टर में आ चुके हैं बेटा, यस, बेसिक एजम्पशंस। पहला, मेरे साथ साथ लिखेंगे, द नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट एंड स्मॉल। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फाइनाइट और स्मॉल है, पहले समझिए, सुनते रहिएगा। ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल का मतलब है कि किसी वर्क को करना, जैसे कॉइन को टॉस करना, ये हमारा क्या है? ट्रायल है। डाइस पासे को फेंकना, ये हमारा क्या है? थ्रोन करना, ट्रायल है। कार्ड में से एक कार्ड को निकालना, ये हमारा क्या है? ट्रायल है। तो पहला जो बेसिक एसम्पशंस है बाइनोमियल का वो है कि द नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट, मतलब फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हो, एंड स्मॉल छोटे होने चाहिए। तो द नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट एंड काउंटेबल, ठीक, या स्मॉल छोटा होना चाहिए, बहुत बड़े ट्रायल नहीं होने चाहिए। छोटे का मतलब 4, 5, 10, 20 ट्रायल। हमने एक क्वाइन 20 बार टॉस किया,
ऐसे 25 बार टॉस किया, तो जहां पे ट्रायल कम हो, फाइनाइट हो, 20 25 30 तक हो, वहां पे क्या अप्लाई होगा? बाइनोमियल। क्लियर है? जहां पे ट्रायल फाइनाइट और स्मॉल हो। थैंक यू। नेक्स्ट। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। फिर देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम। बेटा दो पॉसिबल आउटकम होते हैं इन ईच ट्रायल। या तो बेटा सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। इस लाइन का मतलब समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसका। कहता है कि दूसरा जो बेसिक एजम्पशंस है किसका बेटा? बाइनोमियल का। मैं लिख इसलिए रहा हूं, मैं पहले लिख के भी समझा सकता हूं, बट मैं लिख इसलिए रहा हूं कि आप नोट्स बना सकें। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है ना? सुन रहे हो ना तुम लोग? ठीक है सर, बहुत ध्यान से सुना। कह रहा है देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, दो ही आउटकम होगा, एक सक्सेस होगा एक फेलियर होगा, तीसरा कोई एस्पेक्ट नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, दो ही चीज होगा और तीसरा कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यहां पे जो हमारा सक्सेस है, सक्सेस को हम क्या मानेंगे? पी मानेंगे। और बेटा क्यू का मतलब बेटा फेलियर। तो सक्सेस को पी मानेंगे और फेलियर को क्या मानेंगे? क्यू मानेंगे। दो ही चीज होगा, दो ही एस्पेक्ट होंगे, एक सक्सेस होगा एक फेलियर होगा। और याद रखिएगा ऑलवेज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? वन। आप जी समझ लेंगे। ठीक है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, सक्सेस प्लस फेलियर को मिला दें तो टोटल रिजल्ट बनेगा वन। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी वन से ज्यादा नहीं होता। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें P मालूम है तो Q कैसे निकालेंगे? तो P इज इक्वल टू वन माइनस क्यू। और मान लीजिए अगर Q मालूम है तो P कैसे निकालेंगे? वन माइनस पी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम। एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तीसरा एजम्पशंस, थर्ड, The probability of success remain constant trial to trial। मतलब जिस चीज को आपने P माना है, P का मतलब क्या माना है बेटा? यहां पे देखिए सक्सेस। तो जो सक्सेस का ट्रायल है वो ट्रायल टू ट्रायल क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सर हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा रुक जाओ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब एक क्वाइन दीजिए मुझे, वो पर्स में होएगा मेरे, एक मिनट। अब मान लो हमारे पास एक कॉइन है, ये टू का कॉइन है, दो का सिक्का है, ये इसका टेल साइड है, ये इसका हेड साइड है। मैं इसको 20 टाइम्स ट्रायल करता हूँ, मतलब 20 टाइम इसको मैं टॉस करूँ तो ये ट्रायल हो गया। चूंकि ये फाइनाइट काउंटेबल है और स्मॉल नंबर है तो ये मेरा क्या आ जाएगा? इसका पहला बेसिक एजम्पशन। अब बात करते हैं ओनली टू पॉसिबल आउटकम, इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टू पॉसिबल आउटकम हो गया। सक्सेस, मैं चाहता हूं कि मेरा हेड आए, तो मेरा सक्सेस क्या होगा? हेड होगा। और फेलियर क्या होगा? टेल होगा। तो जब मैं इसको 20 टाइम्स, सुनना ध्यान से, जब मैं इसको 20 टाइम्स ट्रायल करूंगा और मेरा पी मतलब सक्सेस मेरा हेड है,
मान लो पहली बार मैंने ट्रायल किया तो मेरा हेड ही आएगा, जब दूसरी बार ट्रायल करूँगा तो भी मेरा सक्सेस हेड ही होगा, तीसरी बार ट्रायल करूँ तो भी मेरा हेड ही होगा, 20 बार ट्रायल करूँगा तो 20 बार भी मेरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, हेड होगा। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रायल किया तो टेल आने लगा, टेल आने लगा तो अगली बार मैं कहूँगा मेरा टेल होगा, नहीं। जो फर्स्ट टाइम आपने सक्सेस की पॉसिबिलिटी माना है वही पूरे ट्रायल में रहेगा। मान लो अगर आप 20 बार कॉइन को टॉस करोगे तो 200 बार सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या होगा, हेड होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि मान लो हमने हेड माना है, अक्सर ऐसा होता है हमने हेड माना है और बीच में टेल आने लगा तो लोग कहते हैं भाई अपन का टेल होगा, हेड नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। पहली बार जो जिस चीज पे आपने सक्सेस जिस चीज को माना है, 200 ट्रायल में, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 200 ट्रायल में सक्सेस की पॉसिबिलिटी वही होगी। इसीलिए कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कॉन्स्टेंट ट्रायल टू ट्रायल। जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी है, जो पी है, वो हर एक ट्रायल में एक ही होगा। तो अगर बेटा बेसिक एजम्पशंस आप कर ले जा रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। फोर्थ, द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट है। समझिए, स्टेटिस्टिक इतनी जल्दी और ये चैप्टर तो इतना आसानी से किसी को समझ में भी नहीं आता। द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, जो ट्रायल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल्स होगा। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब जब हमने पहली बार कॉइन टॉस किया, ठीक, पहली बार कॉइन टॉस किया, फिर हम 20 बार करना है, हमने एग्जांपल में 20 बार लिया, फिर हमने दूसरी बार कॉइन को टॉस किया, तो क्या पहला रिजल्ट दूसरे रिजल्ट को अफेक्ट करेगा क्या? जैसे मान लो पहली बार हेड आ गया तो क्या दूसरी बार भी हेड आएगा? ऐसा नहीं है। क्या तीसरी बार जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो क्या दूसरा या पहला रिजल्ट उसको अफेक्ट करेगा? नहीं। तो इसी को कहते हैं जो ट्रायल होता है इंडिपेंडेंट होता है। मतलब पिछले वाले रिजल्ट से जो करंट ट्रायल है उस ट्रायल का प्रीवियस ट्रायल से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? जो करेंट का ट्रायल है उस ट्रायल का प्रीवियस ट्रायल से कोई रिलेशन नहीं है। ये वीडियो आग लगाने वाला वीडियो है, बिल्कुल। द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, इसका ये मतलब हुआ। अब उसके बाद बेटा एक आगे बढ़ते हैं, छोटा सा फॉर्मूले पे बात करते हैं। पहला फॉर्मूला, बाइनोमियल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बाइनोमियल में, बाइनोमियल में आर की वैल्यू, आर का मतलब सेलेक्शन की का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे निकलता है? पी एक्स इज इक्वल टू आर, एन सी आर पी के पावर रेस टू आर क्यू एन माइनस आर। मेरा क्यू बार बार जी टाइप का हो जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है? एन सी आर इंटू पी रेस टू आर इंटू क्यू एन माइनस आर। वेयर एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ए सुनते जाओ और लिखते भी जाओ। ओके सर, आर सिलेक्टेड फ्रॉम एन। ओके सर, समझ में आ रहा है। पी का मतलब सक्सेस। पी का मतलब सक्सेस, क्यू का मतलब फेलियर। ओके गुरुजी, ये हो गया। ठीक, तो NCR इंटू पी पावर टू रेज आर इंटू क्यू एन माइनस आर। एक बात और समझा दूं मैं, NCR का मतलब होता है कॉम्बिनेशन।
इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, एन फैक्टोरियल, यह है फैक्टोरियल, और फिर क्या होता है आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सर ये फैक्टोरियल का क्या मतलब है समझाते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एनसीआर इंटू पी के पावर पी रेस टू आर एन क्यू एन माइनस आर। ठीक, ये बेटा हो गया एनसीआर का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, समझिए लिख लिया, चलो भाई लिख लिया तो समझो थोड़ा सा ध्यान से। बिल्कुल बेटा मूवमेंट मत करिए, समझते रहिए हैं। अब पहले हम लोग एनसीआर सीखेंगे कि एनसीआर क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एन की वैल्यू 10 हो गई और आर की वैल्यू 6 हो गई, तो एनसीआर कैसे निकलेगा, बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, एनसीआर कैसे निकलेगा, तो एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है तो मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, फैक्टोरियल का दोनों साइन है। ठीक, तो अब इसको हमको एनसीआर को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दीजिए, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल, आर मतलब 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से कैंसिल कर दो किसको, 2 को, 2 से 2 को कैंसिल कर दो 3 को 3 से, आंसर आ जाएगा आपका 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा एनसीआर का 210। तो मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, नहीं कुछ बच्चे कहेंगे सर ने एनसीआर का मतलब नहीं समझाया। ठीक, कुछ चीज़ें और समझ लीजिए, थोड़ा सी चीज़ें रट लीजिए। जैसे 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आएगा, ये सब याद कर लीजिए, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आएगा, 4 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 24 शायद, 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 आएगा, ठीक, 6 फैक्टोरियल का आंसर 720 आएगा शायद, ठीक, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 10 या 1 से लेके 15 तक फैक्टोरियल का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इतना आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ओके सर। हाँ बेटा, आप दो क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, तो दो क्वेश्चन करते हैं, तो इससे सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। तो दो क्वेश्चन करते हैं, समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट
अगर किसी टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बेटा हिटिंग की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हिट करने की, तो इसको मान लेते हैं सक्सेस। सक्सेस का मतलब पी क्या हो जाएगा, 1/5। पी 1/5 एंड 10 शॉट्स आर फायर्ड। अगर हम 10 शॉट करते हैं इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो 10 शॉट का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 10। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट बीइंग हिट एट 2 times। तो कहता है कि बताइए 2 बार टारगेट को हिट करने की पॉसिबिलिटी क्या है। कहता है कि अगर कोई बंदा टारगेट को हिट करता है 1/5, मतलब 1/5, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 1/5। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास कितने हैं, 10। 10 बार हम किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं, तो उस 10 बार में से क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 2 बार टारगेट को हम हिट कर लेंगे, टच कर लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले P निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। तो Q निकालने का तरीका अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको, यस सर, 1 - P। तो 1 - 1/5, तो 1/1 आप आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। अब बेटा आप फार्मूला पुट कर दीजिए, तो फार्मूला पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा PX = R NCR इंटू पी पावर रेस टू R इंटू क्यू एन माइनस R। NCR आपका बेटा N हो जाएगा 10C, R की वैल्यू होगी 2 और P 1/5, R का आंसर 2 इंटू 4/5, 10 - 2, N माइनस R 10 - 2। पहले आपको 10 CR की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, तो NCR इज इक्वल टू कुछ देर पहले बताया था N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। N की वैल्यू 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 10 - 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ले जाने की जरूरत नहीं है। नीचे देखिए कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, 8 फैक्टोरियल, इसको 8 फैक्टोरियल तक ले जाइए। 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 × 9, 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, 2, तो 2 से 2 कट गया 5, कितना आ जाएगा, 5 और 9 45। बोलो भैया कितना आ जाएगा, 45। ठीक है साहब, ठीक है, तो ये आपका आ गया 45 इंटू, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 0.2, 2 times इंटू, इसको डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 0.8, कितने टाइम्स, 8 times। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इनका वाला कर लीजिए, 0.2 × 2, 0.04, इनका वाला 8 times करना है, हे भगवान, 0.8 × 8 × 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गया बेटा 0.1677। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 0.04 × 45, आंसर आ गया बेटा 30। ऐसे ही आपको सॉल्यूशन देना है, आपको पहले डिसाइड करना है P क्या है,
फिर डिसाइड करना है एन क्या है, फिर डिसाइड करना है आर क्या है, और फिर डिसाइड करना है क्यू क्या है। फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक, यहाँ तक हो गया। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू, पहले इसको वन को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन को कॉपी कर लीजिए। कितना मिनट हुआ है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं बेटा। टू को समझते हैं, मैं उसको हटा रहा हूं। सर एक मिनट और रहने दीजिए, हमने कहा अच्छा ठीक है एक मिनट और रहने देता हूं, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हटा रहे हैं भैया? हाँ सर हटा दीजिए। अब एक और क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर टू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एंटरिंग कॉलेज विल ग्रेजुएट इज 0.4। भाई अगर कोई कॉलेज में स्टूडेंट एंटर हो रहा है तो उसके ग्रेजुएट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 0.4 है। मतलब कितने बच्चे ग्रेजुएट हो जा रहे हैं? 0.4। कह रहे डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो कहता है आप प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करिए कि 5 बच्चों में से एक भी ग्रेजुएट नहीं होंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले केस में नन है, इसका मतलब जो आर का आंसर रखेंगे वो क्या रखेंगे? 0। आर इज सेलेक्शन। 5 में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक भी स्टूडेंट क्या नहीं बनेगा बेटा, ग्रेजुएट नहीं होगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है? R इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। सुनते जाइएगा बेटा। Q निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो आंसर लगा देंगे, यस सर लगा दीजिए। P इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर इंटू पी के पावर रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर। ओके बेटा, एन सी आर आपका हो जाएगा 5C0 इंटू 0.4 पावर रेस टू आर क्या हो जाएगा? 0 इंटू 0.6 5 माइनस 0। 5C0 का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, 5C0 का आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 से 5 कट जाएगा 1, और इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो 5C0 का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ये सब तुमको याद रखना होगा। 0.4 के पावर क्या है? 0। अगर किसी नंबर के पावर जैसे n के 0 है तो आंसर हमेशा क्या होगा? 1। कुछ लोग 0 बताते हैं, नहीं 1 होगा। इंटू 0.6 5 टाइम कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा इसका। 0.6 का 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा इंटू 6 1 2 3 4 5। ये आंसर आ जाएगा 0.07। ये पॉसिबिलिटी है एक भी बंदे की ग्रेजुएट ना होने की, 0.077 बंदा ग्रेजुएट नहीं हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो ये हुआ आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा पूछता है सेकंड क्वेश्चन, एक के होने की पॉसिबिलिटी बताइए।
एक के होने की पॉसिबिलिटी बताइए, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। तो एक के होने की पॉसिबिलिटी बता देते हैं आपको, बोलो भैया, एक के होने की पॉसिबिलिटी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू वन, एक, तो p हमारा क्या होगा 0.4, q निकाला है 0.6, n क्या हो जाएगा 5। बस किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो r की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो p इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी रेस टू आर इंटू क्यू एन माइनस आर, तो आंसर आपका आ जाएगा 5 सी वन 0.41 0.65 माइनस वन। 5C1 का आंसर आपको निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिएगा 5C का आंसर। 5C1 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल आंसर बेटा 5 आएगा इंटू 0.4 इंटू 0.6 पावर के 4। आंसर निकाल लीजिए कितना आंसर आ जाएगा, कौन बताएगा आंसर, कौन बताएगा सर, हम बताएंगे 0.2592। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जहां तक मुझको लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है बायनोमियल, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, कुछ बढ़िया टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कुछ बढ़िया टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, उसको हटाएं, ठीक, इधर हटा देते हैं, उधर बाद में अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, देखो बाइनोमियल में या पूरे प्रोबेबिलिटी में, अब लिखो नहीं, तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपको, एक एग्जैक्टली जैसे ये नन वाला एग्जैक्टली में था, वन वाला एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, और एक क्वेश्चन बनेगा आपका एटलीस्ट, और एक क्वेश्चन बनेगा आपका एटमोस्ट। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी एटलीस्ट की बात, सुन रहे हो ना तुम लोग, जब भी एटलीस्ट की बात होगी, सुनो पहले रुक जाओ मत लिखो, एटलीस्ट की जब बात होगी तब हमेशा याद रखिएगा मिनिमम टू मैक्सिमम जाना है, मिनिमम टू मैक्सिमम, और जब एटमोस्ट की बात करें तो याद रखना ठीक इसका उल्टा, मैक्सिमम टू मिनिमम जाना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम जाना है। तो तीन ही केस बनता है, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली। एग्जैक्टली आप वन और नॉन कर लिए, मतलब जीरो और वन कर लिए हैं, और फिर केस है एटलीस्ट वन, ठीक है ना। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट, लिस्ट का मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, और एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम, क्लियर है, समझिए। जैसे जैसे यहां पे बोला एटलीस्ट वन, तो अगर हम केस बनाते हैं पहला थर्ड वाला, एटलीस्ट वन, तो मिनिमम कितना हो गया वन, और मैक्सिमम कितना होगा, जितना एन होगा, आपका एन कितना है 5, आपका एन आपने डिटरमाइन किया है ना, एन कितना है 5, तो मैक्सिमम कितना हो गया 5, तो 1 और 5 के बीच में नंबर क्या आएंगे 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से चलता है आपका। सर एक और समझाइए, जैसे मान लीजिए एटलीस्ट 3 होता तो मिनिमम कितना है 3, और मैक्सिमम कितना है सर, मैक्सिमम जितना n होगा, तो n कितना है सर 5, तो 3 और 4 और 5,
ये तरीका है इसका, क्लियर है यहां तक? अच्छा सर, तो यहां पे बेटा एटलीस्ट वन था, एटलीस्ट वन, एक, कम से कम एक, तो ज्यादा कितना हो सकता है? जितने नंबर है, कितने नंबर है? पांच भाई, कम से कम एक ग्रेजुएट हो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? पांच के पांचों हो सकते हैं, तो या तो एक हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तो तीन हो सकता है, या तो चार हो सकता है, या तो पांच हो सकता है, यस या नो? और बेटा जहां पे और होता है वहां पे आपके प्रोबेबिलिटी में और वर्ड आने पे ऐड करते हैं और एंड आने पे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक? तो जब और वर्ड आ गया तो ये हमारा बनेगा 1+2+3+4+5 या x इज इक्वल टू 1+ x इज इक्वल टू 2+ x इज इक्वल टू 3+ x इज इक्वल टू 4+ x इज इक्वल टू 5। अरे बाप रे, मतलब एक बार r एक रख के निकालना पड़ेगा, एक बार r दो रख के निकालना पड़ेगा, एक बार r तीन रख के निकालना पड़ेगा, एक बार चार रख के निकालना पड़ेगा, एक बार पांच। सुनो, मतलब इतने बार हम रख के निकालेंगे तो टाइम का क्या होगा? मैजिक, जादू। रुक जाओ, टोटल केसेस कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। सुनते जाइए, अगर टोटल केसेस 5 हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, सुनना, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऐसे चलता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब या तो 0 बंदे ग्रेजुएट होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 1+ r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा क्या होता है? 1, ठीक है ना? जैसे अगर मान लो 6 स्टूडेंट बोला होता तब आंसर कैसे लिखते? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब या तो कोई ग्रेजुएट नहीं होगा, या तो 6 के 6 ग्रेजुएट हो जाएंगे, ये होगा। मान लो 10 स्टूडेंट होता, या तो एक भी ग्रेजुएट ना होते 0, या तो 10 के 10 ग्रेजुएट हो जाते, यही बात होती ना? और इन सभी को ऐड करने पे आंसर कितना आना चाहिए? 1। अब बेटा एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या है? एटलीस्ट 1, और एटलीस्ट 1 में हमें ये चाहिए, मतलब इन सब का ऐड चाहिए। ये जो आंसर आएगा ये एटलीस्ट 1 का होगा, एटलीस्ट 1 का होगा, यस या नो? तो मैजिक क्या है इसमें? मैजिक क्या है इसमें कि यहां देखिए, देखिए यहां से यहां तक निकालना है हमें, इससे अच्छा है कि हम अगर ये निकाल दें 1-, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो बचेगा जो आंसर वो आपका ये बचेगा। हाँ सर, मतलब अगर हम 1 में से x0 एक वैल्यू निकाल लें तो उन सब किसका आंसर आ जाएगा? इतने का आंसर आ जाएगा। तो बेटा मैं ये बताना चाहता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5 निकालना बेटर है कि 1 निकाल, एक वैल्यू निकालना। और 0 का वैल्यू अभी आपने निकाला था, नहीं निकाला था तो मैं फिर से निकाल दे रहा हूं। 0 का आपने कहां पे निकाला था वैसे, मैं निकाल दे रहा हूं फिर से, n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू, आपने निकाला था कॉपी में देख लीजिए, p इज इक्वल टू 0.4, q इज इक्वल टू 0.6। कितना आंसर निकाला था बता दीजिए? p x इज इक्वल टू 0, एन सी आर इंटू पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर, 5c0, 0.4, 0 इंटू 0.6, 5-0। आंसर कितना आया था बताइए? हाँ, देख के बताइए कॉपी में से कितना आंसर आया था?
सर पता नहीं बेटा, ये आंसर आया था 0.077। तो अगर बेटा हम 1 में से 0.077 माइनस कर दें तो इनका आंसर आ जाएगा, और इनको हम क्या बोलेंगे, एटलीस्ट 1। तो माइनस कर दिया तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0.077, 0.923। ये किसका आंसर आ गया, एटलीस्ट 1 का। तो मैं आपको तरीका सिखा रहा था कि आप चार वैल्यू मत निकालो, आप कोई एक वैल्यू कोई दो वैल्यू निकालो, तो उसको कहते हैं ट्रिक होना। तो जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट का क्वेश्चन देगा उसमें ट्रिके बनने की कोशिश करिएगा, ट्रिक लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें और इसके टेक्निकल बात को समझेंगे। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं ग्रुप में आके बता दीजिएगा, तो मैं उन चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।